वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हार के बाद हर कोई काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, लेकिन उन्होंने हार के बाद भी चीज तो साफ कर दिया कि वर्ल्ड कप 2023 में कोई भी गलती टीम इंडिया नहीं करना चाहती। इसीलिए पीएम मोदी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक सलाह देते हुए अपनी बात कही है। दरअसल अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होना है। 50 ओवर के इस वर्ल्ड कप मुकाबले में काफी टीमें हिस्सा लेंगी और कड़ाके की टक्कर भी रहेगी, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिली हार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर खिलाड़ियों की गाइडेंस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को शायद पूरी तरह कहते अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। उन्होंने यह सलाह दी है कि वर्ल्ड कप से पहले महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का हेड कोच बनाना शायद एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि अपनी कप्तानी में उन्होंने भारत को हर एक आईसीसी ट्रॉफी जिताई है, और जब उनकी अगुवाई में टीम इंडिया उतरेगी तो शायद पहले वाला जज्बा फिर एक बार टीम इंडिया में देखने को मिल जाए। धोनी हर खिलाड़ी को बेहतर तरीके से जानते हैं और उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ निकालना भी मुझे लगता है धोनी से बेहतर कोच कोई दूसरा हो नहीं सकता। बता दे कि बीसीसीआई भी है सोचने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है, लेकिन अभी यह बात मैनेजमेंट के बीच में है, और अगर टीम इंडिया के लिए धोनी को हेड कोच नहीं भी बनाया गया तो शायद मेंटर बनाया जा सकता है, क्योंकि धोनी की अगुवाई टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में बेहद जरूरी हो गई। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, धोनी को वर्ल्ड कप में किस टीम का हेड कोच बनाने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।